YouTube आज तक बनाया गया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जिसकी शुरुआत कैसे हुई इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत से कम लोग ही हैं जो YouTube के पीछे Google के सपोर्ट के बारे में जानते हैं, जिसके फाउंडर्स YouTube को $1.6 बिलियन में Google को बेचने के बाद एक तरह से गायब हो गए। बट कैसे तीन लोगों के ग्रुप ने आज वर्ल्ड का मोस्ट यूज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया एंड गूगल को अपनी वेबसाइट बेचने के बाद ये ग्रुप अब क्या कर रहा है। स्टार्ट करते हैं यूट्यूब फाउंडर्स ग्रुप के फर्स्ट मेंबर जावेद करीम से। जावेद करीम ईस्ट जर्मनी में 5th अक्टूबर 1979 में बॉर्न हुए थे। जावेद के दोनों पेरेंट्स रिसर्चर की जॉब करते थे। इनके फादर एक अमेरिकन कंपनी 3M में एक रिसर्चर की जॉब करते थे एंड इनकी मदर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा में एक बायोकेमिस्ट्री रिसर्चर थीं। यंग एज में करीम और उनकी फैमिली को ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी शिफ्ट होना पड़ा, जहां पर करीम ने अपनी यंग चाइल्डहुड का टाइम इंजॉय किया। देन अगेन 12-13 ईयर्स के होने पर करीम को और उनकी फैमिली को अगेन शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़ी। बट इस बार करीम की फैमिली जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिनिसोटा में शिफ्ट हो गई, जहां पर मौजूद लोकल स्कूल कॉल्ड सेंट पॉल सेंट्रल हाई स्कूल से जावेद ने अपनी हाई स्कूलिंग कंप्लीट की, जिसके बाद उन्होंने इलिनॉइस के यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लिया। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स की तरह जावेद ने भी कैंपस लीव करने के बाद पेपल में जॉब करने का डिसीजन बनाया। बट अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर उन्होंने जॉब के साथ अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा एंड ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट की। ये सुनने में काफ़ी सिंपल एंड किसी भी स्टूडेंट के ब्राइट करियर का आइडिया देता है, बट एक्चुअली में पेपल में काम करना और उसी के साथ अपनी एजुकेशन पर भी ध्यान देना जावेद के लिए इतना ईजी नहीं था, बिकॉज जावेद को अपनी बैचलर्स डिग्री अचीव करने में 7 ईयर्स का टाइम लगा। इन 7 ईयर्स के टाइम में जावेद पेपल में दो लोगों से मिलते हैं जो उनकी तरह ही थिंकिंग रखते थे एंड सेम इंटरेस्ट के होते हुए सून जावेद और पेपल के इन दो एम्प्लॉयज के साथ जावेद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान बनाते हैं कॉल्ड यूट्यूब, जिसका मोटिवेशन जावेद को तब मिली जब वो ऑनलाइन कुछ पॉपुलर वीडियो क्लिप्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जावेद इंटरनेट पर 2004 में इंडिया में आई सुनामी की वीडियोस को और 30th अमेरिकन फुटबॉल मैच की वीडियोस को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, बट इंटरनेट पर यूट्यूब से पहले इस तरह का कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था जो इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड करता था। इसलिए यूट्यूब का आइडिया आते ही जावेद ने अपने इस आइडिया को अपने ग्रुप के अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, जिसके बाद 2005 में जावेद ने youtube.com नाम का डोमेन परचेज किया। देन उन्होंने अपने आइडिया को एक वेबसाइट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जिस पर काम करने के दौरान करीम ने अपनी वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए जूम में रिकॉर्ड की गई अपनी इस वीडियो को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, जिसे आज यूट्यूब पर अपलोड की गई फर्स्ट वीडियो कहा जाता है कॉल्ड मी एट द जू, जिसे 23rd अप्रैल 2005 में अपलोड किया गया था। हालांकि जावेद ने YouTube की वेबसाइट बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बट काफ़ी जल्द जावेद ने अपने YouTube आइडिया को लीव करने का डिसीजन बना लिया था। इस तरह का डिसीजन जावेद के लिए मुश्किल भी था और नहीं भी, बिकॉज जावेद जितना ज़्यादा अपने आइडियाज़ पर काम करना पसंद करते थे उतना ही वो अपनी एजुकेशन को कम्प्लीट करने में इंटरेस्टेड थे और अपनी नॉलेज को और भी इंक्रीज करने में बिलीव करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी टीम को लीव करने के बाद अपनी हायर एजुकेशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिस पर वो अपना टाइम स्पेंड करना प्रिफर करते थे, ना कि किसी और चीज़ पर। बट लेटर यूट्यूब की सक्सेस के बाद जब जावेद से उनके इस डिसीजन के बारे में पूछा गया तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो आज भी यूट्यूब लीव करने के अपने डिसीजन के बारे में सोचा करते हैं, बट जावेद ने अभी भी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं की थी। हालांकि जावेद ने कंप्यूटर साइंस की मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब को छोड़ा था, बट यूट्यूब को लीव करने के बाद भी वो डायरेक्टली तो नहीं, बट जावेद एक इनफॉर्मल एडवाइज़र की तरह यूट्यूब से जुड़े रहे। एंड सिंस जावेद डायरेक्टली यूट्यूब के लिए काम नहीं कर रहे थे, इसलिए जब 2006 में गूगल ने यूट्यूब को परचेज किया तो जावेद को अदर टू मेम्बर्स की कंपेरिजन में काफ़ी कम अमाउंट दिया गया,
और जब YouTube फाउंडर्स ने Google के साथ इस तरह की डील की तो जावेद को Google से Google के 1,37,000 शेयर्स मिले, जिसकी प्राइस 2006 में अराउंड $64 million थी। और यदि जावेद ने अपने शेयर्स को आज अपने पास रखा होता तो आज की डेट में जावेद इजीली एक बिलियनर बन गए होते। बट जावेद रियली में ना ही कोई बिलियनर लाइफ जीना चाहते थे और ना ही किसी तरह की लग्जरी इंजॉय करने में इंटरेस्टेड थे। इवन जावेद कहते हैं कि वो अपने बिजनेस आइडियाज पर काम करना काफी इंजॉय करते हैं, बट वो हमेशा से अपने आइडियाज की मदद से अपने लिए ग्रेट फॉर्च्यून बनाने के बारे में सोचने की जगह वो जस्ट एक टीचर बनना चाहते थे। यदि आप जावेद की जगह वन ऑफ द यूट्यूब फाउंडर्स होते तो क्या आप भी जावेद की तरह ही डिसीजन लेते, या फिर आप एजुकेशन की जगह अपने बिजनेस आइडियाज पर फोकस करते? इवन दो जावेद ऑलवेज एक प्रोफेसर बनना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका ये ड्रीम पूरा नहीं हो सका। एटलीस्ट इंटरनेट पर तो कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद जावेद अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करना चाहते थे। एंड यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद उन्होंने एक बिजनेस आइडिया रखने वाले ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसके साथ मिलकर उन्होंने वाई वेंचर्स कंपनी की शुरुआत की, जिसमें वो अदर एंटरप्रेन्योर्स के साथ यंग स्टूडेंट्स को उनके बिजनेस आइडियाज के लिए मेंटरशिप एंड कंसल्टिंग प्रोवाइड करने के साथ उनके बिजनेस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड करते थे। अपनी इस कंपनी के थ्रू जावेद और उनके अदर बिजनेस पार्टनर्स ने नॉट जस्ट इन अमेरिका बट आज वर्ल्ड के कुछ बड़ी कंपनीज की हेल्प की, जैसे कि एयरबीएनबी, रेडिट एंड पोस्टमेट्स। नेक्स्ट, चैड हार्ली, यूट्यूब की सक्सेस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले फाउंडर। चैड का जन्म 24 जनवरी 1977 में पेंसिल्वेनिया में हुआ था। चैड अदर टेक फाउंडर्स की तरह नहीं थे, बिकॉज चैड किसी टेक सब्जेक्ट में टैलेंटेड होने की जगह ओनली आर्टिस्टिक विजन रखते थे। इवन अपनी यंग एज में चैड अपनी बनाई हुई आर्टवर्क को सेल करने का बिजनेस करते थे, बट हाई स्कूल की एज तक चैड आर्टिस्टिक आइडियाज की जगह नाउ टेक्नोलॉजी से जुड़े आइडियाज पर फोकस करने लगे थे। इवन दो हाई स्कूल के समय चैड टेक पर फोकस कर रहे थे, बट साथ ही चैड अपने स्कूल के रनिंग प्रोग्राम में काफ़ी इन्वॉल्व थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। हाई स्कूल के बाद कॉलेज पहुंचने पर चैड अगेन अपने चाइल्डहुड पैशन पर इंटरेस्ट शो करने लगे, इसलिए उन्होंने कॉलेज में फाइन आर्ट्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। सिंस जावेद एंड चैड सेम कॉलेज में थे, इसलिए जावेद एंड अपने कॉलेज के मोस्टली सभी स्टूडेंट्स की तरह ही चैड ने भी पेपैल में जॉब करने के लिए अप्लाई किया, जहां पर वो जावेद की तरह टेक डिपार्टमेंट में नहीं बट पेपैल के अदर डिपार्टमेंट जैसे कि पेपैल के लोगो या फिर डिज़ाइन जैसी चीज़ों पर काम कर रहे थे। एंड चैड को यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को बनाने का आइडिया तब आया जब वो अपनी डिनर पार्टी की वीडियोस को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकें। इसलिए सिमिलर इंटरेस्ट के कारण चैड ने जावेद के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को बनाने के आइडिया को काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। एंड जावेद के साथ यूट्यूब की शुरुआत करने के बाद चैड यूट्यूब के फर्स्ट CEO बनाए गए, जिसमें चैट को मोस्टली यूट्यूब पर अपलोड की गई वीडियोस को मैनेज करने के साथ वीडियो शेयरिंग फीचर पर काम करना था। गूगल को यूट्यूब सेल करने पर चैट को गूगल से डायरेक्टली लगभग 7 लाख गूगल शेयर्स मिले, एंड थ्रू गूगल ट्रस्ट 41,000 शेयर्स, जिसकी टोटल वैल्यू उस समय अराउंड $345 मिलियन बताई जाती है, जो जावेद को मिले हिस्से से 5 times ज़्यादा था। एंड अपने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को सेल करने के बाद भी चैट 2010 तक यूट्यूब के CEO पोस्ट पर यूट्यूब के लिए काम करते रहे, बट 2010 के बाद जावेद की तरह ही चैट ने भी अदर बिजनेस आइडियाज पर फोकस करना शुरू कर दिया। नाउ टर्न है चैन स्टीव, यूट्यूब के लास्ट फाउंडर का, जिनका जन्म 25 अगस्त 1978 में ताइवान में हुआ था, जहाँ पर चैन स्टीव ने अपने फर्स्ट 8 years स्पेंड किए, जिसके बाद चैन स्टीव की फैमिली यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हो गई, जहां पर उन्होंने इलिनॉय स्टेट में मौजूद स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस के सभी स्टूडेंट्स की तरह ही चैन स्टीव ने भी पेपैल में जॉब के लिए अप्लाई किया, जहां पर वो जावेद और चैट से मिले। बट जावेद और चैट की तरह चैन ने यूट्यूब के आइडिया पर काम करना तुरंत शुरू नहीं किया, बिकॉज पेपैल में काम करते हुए चैन को फेसबुक से जॉब ऑफर हुई, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया,
बट कुछ महीने फेसबुक में काम करने के बाद फाइनली चैन ने अदर यूट्यूब फाउंडर्स को ज्वाइन किया। एंड फाइनली चैन स्टीव ने यूट्यूब में एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोजीशन पर काम करना शुरू किया, जिसमें उनका मेन फोकस था यूट्यूब पर आने वाले ट्रैफिक को यूट्यूब के लिए हैंडलिंग को ईजी बनाना। यूट्यूब एंड गूगल की डील के बाद चैन स्टीव को गूगल से डायरेक्ट 625,000 गूगल शेयर्स मिले एंड 68,000 शेयर्स थ्रू गूगल ट्रस्ट, जिसका प्राइस चैट को मिले $325 million के इक्वल था। बट नाउ ये प्राइस नियरली $1.78 billion हो गया है। एंड चैट की तरह ही चैन भी एटलीस्ट 2009 तक यूट्यूब से जुड़े रहे, जिसके बाद उन्होंने भी अदर यूट्यूब फाउंडर्स की तरह ही अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का डिसीजन लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यदि आप इन सभी यूट्यूब फाउंडर्स में से एक होते तो आप कौन सा कैरेक्टर होते एंड क्यों? शेयर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।